द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार एक ऐसा राजनीति का अड्डा बन गया है कि जहां पर कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। सरकार किसी की भी बन सकती है, किसी की भी गिर सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार जी जैसा अगर कोई मौका परस्त कहीं पर राजनेता हो जो बार बार इधर उधर जाने का काम करे, तो फिर उस राज्य के अंदर सत्ता का खेल चलता रहता है। और अब शायद इस खेल में खेला जो होने जा रहा है वो बीजेपी और एनडीए के साथ होने जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 फरवरी तारीख तय की गई थी विश्वास मत की, जिसको हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं, कि अपनी संख्या को सिद्ध करने के लिए 10 तारीख को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को। लेकिन अब यही तारीख बढ़ा दी गई है, 10 की जगह 12 हो गई है। और इस बीच में एक बयान जो है वो बड़ा सुर्खियों से मैं आ रहा है, वो है जितिन राम मांझी जी का। नीतीश कुमार जी अगर कुछ करते हैं तो जितिन राम मांझी जी भी उससे 2 कदम आगे चलने का काम कर रहे हैं। और ये अमर उजाला ने लिखा है कि मांझी ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन, गिर जाएगी बीजेपी जेडीयू की सरकार। असल में एक निर्दलीय को साथ लेने के चक्कर में निर्दलीय जो विधायक हैं उनको मंत्री पद दिया गया है, जितिन राम मांझी जी को भी एक मंत्री पद दिया गया है, उनकी पार्टी जो हाम है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा। लेकिन अब उनकी मांग ये आ गई है कि भैया अगर निर्दलीय एक अकेले को मंत्री बनाया जा रहा है तो मेरी पार्टी के 4 विधायक हैं, मुझे एक मंत्री पद क्यों दिया जा रहा है, हमको भी 2 मंत्री पद देना चाहिए ताकि निर्दलीय के अनुपात में तुलनात्मक अगर देखा जाए तो हमारे पास भी मंत्री पद हों उससे दुगने हों, उससे सीट हमारी 4 गुना है। इसके ऊपर पूरा ऐसा लगता है कि खेल अटक गया है। नीतीश कुमार जितिन राम मांझी जी ने मीडिया में ये भी कह दिया आके कि हमने तो मुख्यमंत्री का पद ठुकराया था महागठबंधन की तरफ से, यानी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से हमको मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया, हमने ठुकरा दिया उसको। तो साफ तौर पे वो इशारा ये भी कर चुके हैं कि मंत्री पद हमारी मर्जी का नहीं मिला हमें दूसरा बीजेपी एनडीए की सरकार में, तो फिर हम मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, यानी वो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे किसमें, कांग्रेस और आरजेडी के साथ। बिहार के अंदर जो तेजस्वी यादव जी ने क्लेम किया था कि दिखाएंगे पत्ते खोलेंगे विश्वास मत के दौरान विधानसभा में, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। ये खेल इसलिए भी होना संभव है क्योंकि जैसे आज तक ने लिखा बहुमत परीक्षण से पहले फंस गया पैच, और इसमें जो बहसबाजी है, एक तरफ जितिन राम मांझी जी का ये बयान है तो दूसरी तरफ मृत्युंजय तिवारी जी ने भी कहा है कि हम बहुत बड़ा खेल करेंगे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा में। और इस बीच में नीतीश कुमार जी के एक विधायक जी जो हैं वो भी बहुत तेजी के साथ आगे चल रहे हैं जेडीयू के। संख्या बल कितना महत्वपूर्ण है मैं आपको बताऊंगा इस बात के बाद। गोपाल मंडल जी हैं जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने खुद बीजेपी के लिए अपनी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करने का बार बार काम कर दिया है क्योंकि वो खुश नहीं दिख रहे हैं शुरू से ही इस पूरे के पूरे मामले से। और उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं उससे लग रहा है कि सब कुछ बीजेपी जेडीयू गठबंधन में ठीक नहीं है। इससे पहले गोपाल मंडल जी ने रिटायरमेंट का भी घोषणा कर दी थी अपने ही नेता नीतीश कुमार जी की, कि वो अब इसके साथ थोड़ी मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्होंने काम कर लिया जो बहुत अच्छा काम करना था। इस सब के साथ इसलिए ये पूरा खेल जो है, ये जैसे फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा था अगली बार सीएम नहीं होंगे नीतीश कुमार, जेडीयू के विवादित विधायक का बड़ा दावा, जिस नेता पर मेरा हाथ उसकी जीत पक्की। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि संख्या बल को देखिए, ये 243 का आंकड़ा है विधानसभा में नंबर है। सरकार जो एनडीए ने क्लेम करी है उसमें 128 विधायकों की सूची दी है, 122 जो है वो मिडवे मार्क है, मेजोरिटी मार्क है, 122 जिसके पास होंगे उसकी सरकार है। अब 122 के नंबर से जो सरकार है वो 6 आगे क्लेम कर रही है 128 विधायक, इसमें बीजेपी 78 पे है, जेडीयू के पास 45 विधायक है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है जो जितिन राम मांझी जी की पार्टी है उसके पास 4 विधायक है, निर्दलीय जो है उसमें 1 विधायक साथ दिए हैं एनडीए गठबंधन में, ऐसे होते हैं 128। निर्दलीय 1 को कीमत ये दी है कि उसको मंत्री बनाया है, भैया मंत्री बन जाओ सरकार बनवा दो हमारी। महागठबंधन जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में है आरजेडी कांग्रेस का, उसमें आरजेडी के पास 79 सीट है, 79-80 में 1 कम, कांग्रेस के पास 20 में 1 कम 19 सीट है, सीपीआई एमएल 7 है 12 सीट्स के साथ, सीपीआई एम भी साथ है अपनी 2 सीट्स के साथ, सीपीआई भी साथ है 2 सीट्स के साथ, ऐसे करके 114 का आंकड़ा बनता है। मिडवे मार्क्स से लगभग 6 सीटें कम, 6 सीटों का ही खेल है जिसमें जितिन राम मांझी की पार्टी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल में आ गई है, भले ही 4 सीटें। अगर जितिन राम मांझी की पार्टी क्रॉस वोट करती है
बिहार विधानसभा में उनकी बात अगर नहीं मानी जाती है, जो कि दिख भी रहा है कि 10 तारीख की जगह आप 12 फरवरी कर दी है, 2 तारीख दो दिन आगे बढ़ा दिया है ट्रस्ट वोट को, तो ये क्या तैयारी है, क्या मौका दिया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जो सब जानते हैं, जिनको समझ में आता होगा ट्रस्ट वोट का खेल या सरकारें कैसे चल रही हैं उनको संभालो। 4 सीट्स के साथ 114 और 4 118 सीट्स हो जाएंगी किसकी, महागठबंधन की वोटिंग के ऊपर। और 4 सीटें कम होने से एनडीए की पास जो वोट पड़ते हैं वो पड़ेंगे कुल 124, 2 सीटें 2 वोट मिडवे मार्क मेजोरिटी मार्क से ज्यादा। लेकिन अब इसमें जेडीयू के विधायकों के बयान भी बहुत चिंताजनक है बीजेपी जेडीयू के लिए। अगर तेजस्वी यादव, जिन विधायकों के साथ वो काम ही कर रहे थे उपमुख्यमंत्री के तौर पे जेडीयू के, उन विधायकों में से कुछ नहीं कुल 2-3 विधायक भी तोड़ के अपने तरफ वोट डलवाते हैं, ऐसे में बड़ा खेला ये होगा कि एनडीए से आगे निकल जाएगा आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन, सरकार वहीं गिर जाएगी नीतीश कुमार जी की। और सरकार गिरते ही या तो तेजस्वी यादव क्लेम कर देंगे सरकार बनाने का, या फिर केंद्रीय सरकार अपनी पावर्स का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग कर देगी। लेकिन ऐसे में बिहार या तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के हाथ में आएगा या किसी के भी हाथ में नहीं आएगा। बड़ी कठिन डगर पर जो चल रहा है नीतीश कुमार जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 विधायकों का खेल है, जिसमें से 4 तो उनके वैसे भी नहीं है। ऐसे में एक MIM के विधायक का जो रोल है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वो तेजस्वी यादव के समर्थन में अगर वोट करते हैं तो फिर बड़ी आसानी के साथ ये सरकार नहीं रहेगी। तो ऐसे में जो खेल है वो बचा हुआ है ये सब कह रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी NDA JDU ने सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली, वो सफल अभी तक हुए नहीं है पूरी तरह से। ये विश्वास मत अगर 10 की जगह 12 हुआ है 12 फरवरी का, अब और आगे अगर बढ़ता है समझ जाइए कि बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है बिहार में, और नीतीश कुमार जी की राजनीति का अंत पूरे तौर के ऊपर हो जाएगा। जबकि बिहार में एक और ये बाहर हिंदी ने लिखा है, जो रेल अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जितना YouTube चैनल्स कवर कर रहे थे, सरकार मोदी सरकार शिकायत YouTube से करके कि ये सरकार के खिलाफ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है, ऐसे करके YouTube से रुकवा रहे हैं। द वायर ने लिखा है कि बिहार रेल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के वीडियो को YouTube ने मोदी सरकार के आदेश पर ब्लॉक किया। नोटिफिकेशन दिया YouTube ने उन चैनल्स को कि YouTube वीडियो ब्लॉक, गवर्नमेंट कंप्लेंट, वी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर रिगार्डिंग योर कंटेंट। इन्होंने ये कहा कि हमने सरकार से हमें मिला है शिकायत आपके खिलाफ कि आप ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है आपकी ये वीडियोज, और पब्लिक ऑर्डर जो है लॉ ऑर्डर है उसको तहस नहस कर सकते हैं आपकी वीडियो, इसलिए हम हटा रहे हैं। तो ये हालत है आज, अघोषित आपातकाल जिसे कहते हैं, उसके बावजूद भी किसी को यकीन नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। The Life TV, सच सबसे आगे।